लर्निंग चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 9। देखिए आपके पार्ट 9 में क्या है, हमें न बांधो प्राचीरों में। ये कविता आपकी शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है और इन्होंने इस कविता में क्या बताया है कि हमें प्राणी मात्र की स्वतंत्रता यानी जो प्राणी हैं जो इंसान हैं उनको स्वतंत्र रहने की भावना का एक ज्ञान दिया है और स्वाधीनता के भाव को जगाने वाली हमें न बांधो प्राचीरों में कविता बंधनों के संकटों का बोध कराती है। स्वतंत्र स्वभाव वाले प्राणी बंधनों में रहते हैं तो उनकी भावनाएं टूट जाती हैं, उन्हें भूख प्यास में बंधन की मैदा से अधिक तुच्छ पदार्थ प्रिय होते हैं, आर्थिक आकर्षण व्यक्ति को भ्रमित कर रहे हैं, इसके कारण ही लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। स्वतंत्रता प्रिय प्राणी को आश्रय से अधिक विचारों की आज़ादी आवश्यक है। स्वाधीनता चाहने वाले भ्रम के धुंधलके में बंध कर नहीं रह सकते हैं, उन्हें चार दीवारी में रखना उचित नहीं होगा। देखिए इस कविता में आगे क्या बताया गया है, हम पंछी उन मुक्त गगन के पिजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें देखिए हम आपको सरनम प्रसंग भी बताते जाएंगे जिससे जब ये आपका इसका अर्थ लिखने को आता है तो आपको अलग से संदर्भ प्रसंग लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका संदर्भ क्या है कि यह पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सुगम भारती के हमें ना बांधो प्राचीरों में नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। प्रसंग, इसमें स्वतंत्रता प्रिय प्राणी का स्वभाव बताया गया है। कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता की बात रखी है और फिर इसके आप अर्थ देखिए कि स्वाधीन स्वभाव का पक्षी यानी प्राणी चार दीवारी में रहकर मधुर गीत नहीं गा सकता। देखिए अगर हम किसी चिड़िया को या किसी आदमी को उसको हम कैद कर देंगे तो वो क्या कैद होके मधुर संगीत यानी मीठा गाना नहीं गा सकता है और उसके प्रसन्नता भरे पंख पिजड़े की जो आपका पिजड़ा होता है उसके सोने की जो छड़ें होती हैं उससे टकराकर वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएंगी। भाव ये है कि स्वतंत्र स्वभाव वाले आर्थिक बंधनों में प्रसन्न नहीं रह सकते, उनको बंधनों में रहना अच्छा नहीं लगता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक नवोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ बताया गया है कि स्वतंत्र स्वभाव वाले आर्थिक आकर्षणों को महत्व नहीं देते हैं, तो नदियों में बहता हुआ पानी पीने वाले स्वतंत्र स्वभाव के प्राणी भूखे और प्यासे रहकर भले ही मर जाएं किंतु वे बंधन में बंधना पसंद नहीं करेंगे। उनके लिए सोने की कटोरी से भरे मैदा से कडुबी निवोरी श्रेष्ठ है। आशय यह है कि स्वतंत्रता चाहने वालों को धन संपत्ति का लालच स्वीकार नहीं होता, वो पैसे रुपए धन संपत्ति की लालच नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हम भूखे भले मर जाएं लेकिन अपने देश के लिए या अपने उसके लिए उन्मुख यानी स्वतंत्र होकर काम करें, बंधन में ना बंधे किसी भी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, आर्थिक बंधनों में बंधने वालों की स्थिति के बारे में बताया गया है। जो प्राणी सोने की जंजीरों में बंधे हैं अर्थात जिन्होंने आर्थिक लाभ स्वीकार कर लिया है वे अपनी सहज स्वाभाविक चाल विचार आदि सब भुला बैठे हैं, वे भ्रम में पड़कर पेड़ के ऊपरी सिरे पर पड़ने वाले झूले के स्वप्न देखते रहते हैं। आशय यह है कि परतंत्रता में रहकर लालच में फंसे लोगों के स्वप्न कभी पूरे नहीं होते हैं। ऐसे थे अरमान की होती है नील गगन से होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
तो यहाँ बताया गया है कि स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह स्वच्छंद रूप से संघर्ष करे। तो स्वतंत्रता स्वभाव के प्राणी की इच्छा होती है कि वह नीले आकाश के नीचे बसे जगत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करे। इस मुकाबले में विजयी होने पर जो लक्ष्य तय किया था वह मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो प्राणों का संकट मृत्यु भी स्वीकार करने से ना घबराएं। स्वाधीनता प्रिय व्यक्ति प्राणों की परवाह नहीं करता, उसे स्वतंत्र रूप से जीने के लिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए बलिदान भी स्वीकार है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पागल प्राण बधेंगे कैसे नभ की धुधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। तो इसमें कवि, यहाँ पर कवि ने अपेक्षा की है कि स्वतंत्रता, स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति की स्वाधीनता पर बंधन नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें कवि ने हमें क्या बताया है, इसमें कवि ये कहते हैं कि स्वतंत्र स्वभाव वाले पक्षी को भले ही डालियों का घोंसला ना दिया जाए, चाहे उसके डालियों से बने निवास को भी नष्ट कर दिया जाए, किंतु भावना के पंख दिए हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने का अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए। बेचैनी से भरी उनकी स्वप्नों की उड़ान में किसी प्रकार की बाधा डालना उचित नहीं है। स्वतंत्रता की भावना से भरे पागल प्राय आकाश में दिखने वाली अस्पष्ट दीवारों में कैसे बध कर रह पाएंगे। आशय यह है कि पूरी कल्पना उन्हें स्वीकार नहीं होगी, उन्हें चार दीवारी के बंधन में बांधना उचित नहीं होगा। ये आपका ये पाठ था, ये पाठ जो था तो आपके शिव मंगल सिंह सुमन जी का लिखा हुआ था। अब देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फर्स्ट का क्या होगा, ऐसे थे अरमान की होती, इसका हो जाएगा नील गगन से होड़ा होड़ी, कनक तीलियों से टकराकर इसका पुलकित पंख टूट जाएंगे, और हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सही विकल्प पर, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को हमें क्या करना है, पूर्ति करनी है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें गगन हो जाएगा, नीड़ न दो चाहे टहनी, इसमें टहनी हो जाएगी, थर्ड में आपका छिन्न भिन्न हो जाएगा और फोर में क्षितिज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, तो पिंजरे में बंद होकर पक्षी क्यों नहीं गा पाएंगे। पिंजरे में बंद होकर पक्षी पर बंधन लग जाएगा, इसलिए वह सहज में गाना नहीं गा पाएंगे। पक्षी क्या चाहता है, तो पक्षी का अरमान है वह नीले आकाश के नीचे बसे संसार के संघर्ष कर, सॉरी इसका दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको थर्ड बता दिया। देखिए पक्षी क्या कहना चाहता है, मतलब पक्षी क्या चाहता है, तो पक्षी चाहता है कि उसके पर को, उसे परकोटे में ना बांधा जाए। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, पक्षी का क्या अरमान है, तो पक्षी का अरमान है कि वह नीले आकाश के नीचे बसे संसार से संघर्ष करके अपना लक्ष्य प्राप्त करे। पक्षी स्वप्न में क्या देखता है, तो पक्षी स्वप्न में पेड़ों की फुनगी पर पड़े झूले को देखता है। नेक्स्ट पेज देखिए आपके लघु उत्तरी प्रश्न, फर्स्ट है पक्षी को सोने की सलाखों के पिंजरे में किस बात का भय बना रहता है और क्यों। तो जो पक्षी सोने की सलाखों वाले पिंजरे में बंद रहता है उसे लगातार डर लगा रहता है पिंजरे की सलाखों में उलझकर उसके पंख टूट सकते हैं। पिंजरा छोटा सा होता है, उसमें पक्षी के उड़ने के लिए स्थाई नहीं होता है, यदि वह उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पंख टूट जाएंगे। सेकंड है स्वतंत्र जीवन जीने वाले कैसे होते हैं, तो स्वतंत्र जीवन जीने वाले किसी तरह का बंधन नहीं चाहते हैं, वे बिना पानी एवं भोजन के मर भले ही जावे, किंतु वे सोने की कटोरी की मैदा से बने पकवानों से कडुबी निवोरी खाना पसंद करेंगे।
क्योंकि सोने की कटोरी का मैदा से बने पकवान बंधन लगाए बिना नहीं मानेंगे। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कटोरी की मैदा और कटुक निबोरी में से पक्षी को कौन सी वस्तु भली लगती है और क्यों, ये हमें लिखना है। तो सोने की कटोरी की मैदा के पकवान बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और जो आपकी ये कटुक निबोरी लिखा है ये किसके लिए लिखा है, जो आपका नीम का पेड़ होता है तो उसका जो फल होता है उसको हम कहते हैं निबोरी। तो नीम की निबोरी बहुत कड़वी होती है, किंतु स्वतंत्र स्वभाव वाले पक्षी को सोने की कटोरी के पकवान से कड़वी निबोरी भरी लगती है, क्योंकि सोने की कटोरी के पकवान खाने के लिए पिंजरे में बंद होना पड़ेगा और बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि नीम की निबोरी खाने में कोई बंधन नहीं है, वह स्वतंत्र रहना पसंद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिंजरे की सुविधाएं पंछी को क्यों पसंद नहीं है। तो पंछी स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार घूमना उड़ना प्रिय होता है। यदि वे पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो उन्हें खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी, उन्हें वहां आराम भी मिलेगा, परंतु पिंजरे में जाते ही उनकी स्वतंत्र चाल उड़ान आदि समाप्त हो जाएगी, अपने मन के अनुसार वह नहीं उड़ सकेंगे। पिंजरे में रहते रहते एक दिन ऐसा होगा कि पंछी चलना उड़ना आदि ही भूल जाएगा, इसलिए पंछी पिंजरे की सुविधाएं पसंद नहीं करता है। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें आपकी भाषा की बात है, तो ये आपका ग्रामर पोर्शन है भाषा की बात। फर्स्ट इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों को हमें क्या करना है, बोलना है और उनको लिखना है। तो आप इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे आपको बोलना है और इसी को फिर आप उसे अपने शब्दों में से आप लिखिएगा। फिर निम्नलिखित पंक्तियों के हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, पुलकित पंख टूट जाएंगे, इसके हमें भाव स्पष्ट करना। तो इसका भाव क्या होगा कि जो प्रसन्नता भरे स्वच्छंद भाव है वो बंधन में रहकर समाप्त हो जाएंगे। सेकंड क्या है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें। तो इसका क्या हो जाएगा कि सोने के पिंजरे में बंद पक्षी को चलने फिरने या उड़ने की स्वतंत्रता नहीं होगी, अर्थात वह अपने इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकेगा और उसकी सभी भावनाएं समाप्त हो जाएगी। नील गगन से होड़ा होड़ी, तो इसका भाव क्या होता है, नील गगन से होड़ा होड़ी का भाव है कि नीले आकाश के नीचे बसे संसार से मुकाबला करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। अब देखिए कविता में भूखे प्यासे शब्द आया है, इसमें हमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसी तरह का योजक चिन्ह हमें प्रयोग करना है। तो योजक चिन्ह क्या होता है, जो बीच में ये आपके ये एक देखिए बीच में ये छोटी सी लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह होता है। कनक तीलियों में बीच में यहाँ योजक चिन्ह हो जाएगा, कटुक निबोरी में भी बीच में योजक चिन्ह हो जाएगा, और कनक कनक में भी आप ऐसे कनक कटोरी में बीच में योजक चिन्ह लगा लीजिएगा, और होड़ा होड़ी में भी आपका योजक चिन्ह लग जाएगा, यही चीज़ आपके छिन्न भिन्न में भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तालाबों की यह नगरी देश के मध्य भाग में तथा विख्यात बौद्ध स्तूप सांची के समीप होने के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ गांव शहर की संस्कृति की मिलीजुली झलक दिखलाई देती है। शहर के सभी साक्षर निरक्षर लोग आपस के राग द्वेष को त्याग कर दिन रात प्रेम से मिलजुल कर यहाँ रहते हैं और अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो रेखा की शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए, ये देखिए देश विदेश में रेखा की थी है, साक्षर निरक्षर राग द्वेष दिन रात अनेकता में एकता, तो इसमें क्या है विलोम शब्द देखिए, जैसे देश का क्या हो जाएगा विदेश, साक्षर का निरक्षर राग का द्वेष रात का दिन एकता का अनेकता, ये शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थी, यानी उसको हम विलोम शब्द कहते हैं।
तो आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल, स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा, सुबह का शाम और अमृत का विष हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं आपके पैराग्राफ में एक पॉइंट दिया है, इसे आपको इसमें पढ़ना है और जानना है। इसके बारे में क्या लिखा है इसमें, एक दिन राजा और रानी उद्यान में गए, वहाँ उन्होंने पंडित जी को बुलाया, तभी पंडिताइन भी पीछे पीछे आ गई। उनके हाथ में डिब्बा था और एक डिबिया भी थी। वह अपनी स्वामिनी यानी रानी को यह भेंट देकर स्वामी राजा को से दक्षिणा लेना चाहती थी। ऊपर लिखे अनुच्छेद में रेखा किन शब्दों में पुलिंग शब्द है, राजा, पंडित, डिब्बा, स्वामी, इन शब्दों में क्या है, इन स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, रानी, पंडिताइन, डिबिया और स्वामिनी, ये सब आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। तो उसी तरह हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका हमें क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है, यानी इसको स्त्रीलिंग में बनाना। तो चूहा का क्या हो जाएगा, चूहा का चूहिया हो जाएगा, बालक का बालिका, सेवक का सेविका, पापी का पापिन, बंदर का बदरिया, घोड़ा का घोड़ी, लेखक का लेखिका। तो ये लेसन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।